नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिटल। रेप पीड़िता ने सोशल मीडिया पर मांगी मदद, पुलिस कार्रवाई न होने से खफा। रेप पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर मांगी मदद। पीड़िता वायरल वीडियो में लगा रही है अपने जेठ और ब्लॉक प्रमुख के पिता पर रेप का आरोप। फेसबुक पर पीड़िता क्यों दिला रही है उन्नाव कांड की याद। दबंगों के डर से पीड़िता की कोई नहीं कर रहा है मदद। पिता ने की मदद तो जिठानी ने लगाया पिता पर रेप का आरोप। 27 अप्रैल 2007 को हुई थी महिला की शादी। शादी के 4 साल बाद हो गया था महिला के पति का देहांत। थाना जहांगीरपुर के गांव कलापुरी में हुई थी महिला की शादी। पीड़ित महिला ने अनहोनी होने की स्थिति में ससुराल पक्ष के लोगों को बताया जिम्मेदार। महिला ने अपने साथ हो रहे अन्याय को नाव कांड से भी जोड़ा। खुर्जा के थाना जहांगीरपुर क्षेत्र का मामला। समाचार डिजिटल के लिए बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। मेरा नाम हेमलता है। मेरी शादी 2007 में कलाकुरी थाना जहांगीरपुर जिला बुलंदशहर में सौरभ के साथ हुई थी। मेरी शादी के 4 साल बाद मेरे पति की पिछली दुर्घटना में डेथ हो गई। उनकी डेथ के 1.5 महीने बाद मैंने अपने बेटे को जन्म दिया और उसे लेकर 1 साल तक मैं अपने मायके में ही रही। उसके बाद मेरे ससुराल के कुछ लोग, मेरे ससुर बीरबल, जेठ गौरव, मेरे पीहर आए और कुछ सामाजिक लोगों के सामने मुझे ससुराल लेकर आए। ससुराल आने के कुछ समय के बाद मेरे ससुर बीरबल, मेरी सास संतोष, इन लोगों ने मेरे ऊपर अत्याचार व मानसिक अत्याचार करना शुरू किया। मेरे ससुर जो कि देर रात तक दारू पीते, घर पे कई लोगों को लेकर आते, गंदी गंदी गालियाँ देते, मारपीट करते, ये सारी बातें मेरी सास को पता थी क्योंकि उनके सामने ही ये सब कुछ होता था। लेकिन कभी उन्होंने इन सारी चीज़ों का विरोध नहीं किया। उल्टा उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, अगर आपको इस घर में रहना है तो आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये सारी बातें जब मैंने अपने जेठ को बताई तो उन्होंने मुझे इस अत्याचार से बचाने का आश्वासन दिया और नोएडा में एक फ्लैट लेके, पंचिल ग्रीन्स में एक फ्लैट लेकर मुझे रखा। वहाँ मैं अपने बेटे के साथ रहती थी। लेकिन जब मेरा बेटा स्कूल चला जाता तो इस बात का फ़ायदा उठाकर, मैं अकेली थी, इस बात का फ़ायदा उठाकर उन लोगों ने, गौरव ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मेरे फूफा ससुर जो कि खुर्जा ब्लॉक प्रमुख मोहित चौधरी के पिताजी हैं, उन्होंने भी मेरे साथ शारीरिक संबंध रखे। और अगर मैं इस बारे में कुछ किसी को भी कहती हूँ तो मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे कहीं ना कहीं चुप रहना पड़ा क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक बेटा है। अब बेटे के ऊपर जब बात आई तो मैं सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन एक दिन जब मुझे लगा कि यार एक दिन तो मरना ही होता है, तो कोई बात नहीं, अब बेटे के ऊपर जब बात आई तो मैं सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन एक दिन जब मुझे लगा कि यार एक दिन तो मरना ही होता है, तो कोई बात नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैंने जहांगीरपुर थाने में FIR करवाई। FIR 3/4/19 को हुई थी और 4/4/19 को मुझे जान से ऑन रोड जान से मारने की कोशिश की गई। इस बारे में मैंने जहांगीरपुर थाने में कंप्लेन की, लेकिन मेरी कंप्लेन किसी ने नहीं लिखी। मुझसे कहा कि आप जेवर में कंप्लेन लिखवाइए और जब मैं जेवर गई तब भी मेरी कंप्लेन नहीं लिखी गई। उसके बाद मैं कुछ समय बाद मेरे केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी और जब मैंने FIR की थी तब मेरे पिताजी, मेरे फादर मेरे साथ थे, उन्हें भी मेरा साथ देने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मेरे फादर के ऊपर मेरी जिठानी ने रेप केस लगा दिया। मैंने 3/4/19 को FIR की थी एंड मेरे पापा के ऊपर 12/5/19 में FIR की गई जेवर में। इस वजह से मेरे पापा भी मेरा साथ नहीं दे पा रहे हैं और जितने भी रिश्तेदार हैं वो सपोर्ट करना चाहते हैं, बट इन लोगों के फर्जी मुकदमे की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग डर रहे हैं। कोई भी खुल के सामने नहीं आना चाहता, कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। मेरे फादर भी डर की वजह से मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। अब
जब मेरे केस में फाइनल रिपोर्ट लगी है तो उसके लिए मैं कोर्ट जाती हूँ, तो 15/7 को मेरी डेट थी कोर्ट में, मैं वहाँ गई थी। तो मेरे जेठ दो तीन लोगों के साथ, गौरव दो तीन लोगों के साथ वहाँ आए, और अगर मैं डेट कंटिन्यू करती हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट में भी मेरे साथ गलत बर्ताव किया। इन सारी बातों को सभी जानते हैं। इन बातों से जब मैंने FIR की, मैं संबंधित सारे अधिकारियों से मिली, जब मेरे केस में FIR लगी तब भी मैंने सारे अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया, सबसे इस बारे में मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। क्योंकि खुर्जा प्रमुख मोहित चौधरी समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड काफ़ी साल से उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस एरिया में, तो भी मैंने सारे अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया, सबसे इस बारे में मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं की। क्योंकि खुर्जा प्रमुख मोहित चौधरी समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड काफ़ी साल से उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस एरिया में, तो अब मुझे नहीं पता क्यों मेरी हेल्प कोई नहीं कर रहा है। हाँ, शायद मेरे पास पैसे नहीं है किसी को देने के लिए, या पता नहीं, बट अब अगर मेरे साथ या मेरे बेटे के साथ कुछ भी गलत होता है या कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मेरे ससुराल वाले होंगे, जिसमें मेरे ससुर बीरबल, जेठ गौरव, फूफा ससुर रविंदर, जिठानी शारदा और मेरी सास संतोष, ये सभी इसके जिम्मेदार होंगे। और इन सब में इनकी मदद कहीं ना कहीं मोहित चौधरी भी कर रहे हैं, जो कि अपने पद का पूरे तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वजह से कोई मेरी नहीं सुनता है, तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कहीं रहने की भी जगह नहीं है। मुझे आज तीन महीने हो गए घर से बाहर घूमते घूमते, कहीं एक जगह मैं 4-5 दिन से ज़्यादा रुक नहीं पाती, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता है। तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।